अगर आप ये हेयर केयर मिस्टेक करते हो तो आपके बाल जॉनी सिंस जैसे हो सकते हैं, इसलिए इन्हें आज से ही अवॉइड कर दो। नंबर वन, स्किप कंडीशनर। आपके बाल शैम्पू करने के बाद रूखे सूखे और डल क्यों रहते हैं? क्योंकि आप शैम्पू करने के बाद बालों पे कंडीशनर नहीं लगाते हो, जिससे आपके बालों में नेचुरल ऑयल नहीं होता है, इसलिए आपके बाल शाइनी लेस और डल दिखते हैं। आपको शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का यूज करना है। नंबर टू, ओवर वॉशिंग हेयर। अगर आप अपने बालों को हर दिन शैम्पू और साबुन से धोते हो तो आपके स्कल्प पर जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिमूव हो जाता है, जिससे आपको हेयर फॉल और ड्राई हेयर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए आपको वीकली 2 से 3 बार ही बालों को शैम्पू करना चाहिए। नंबर थ्री, कॉम्ब वेट हेयर। आपके बाल जब गीले होते हैं तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और आपने नोटिस किया होगा जब आप गीले बालों को कॉम्ब करते हो तो कुछ बाल आपके कॉम्ब में ही फंस जाते हैं, इसलिए गीले बालों में आपको ये वाली कॉम्ब का यूज करना चाहिए। अगर आपको व्हाइट हेयर और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।